नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एसीएफ। दोस्तों, अगर एसीएफ में आपके इंग्लिश के अंदर अगर 33 नंबर नहीं आए 100 में से, या 33% मान लें, तो आगे के पेपर चेक नहीं होंगे। तो इस पूरी स्ट्रेटजी के बारे में आप जानने के लिए लगातार बने रहें, अभी चर्चा करेंगे। तो मैं हूं महेश कुमार काजला, बी एम टेक, एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, और प्रैक्टिकल ट्रिकी इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर पढ़ाने का काम करते हैं। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आपको अनअकेडमी पर रजिस्टर होने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके अनअकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जहां पर आपको मिलने वाले हैं बेहतरीन ऑफर, जैसे डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस के अंदर दोस्तों अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं, वो भी चलती हुई क्लास के अंदर। और दोस्तों, अगर लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में अगर बात करते हैं, तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और क्विज दे सकते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर स्ट्रक्चर कोर्सेज की दोस्तों बात करें, तो अनअकेडमी पे जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं, वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्या किए गए हैं, स्ट्रक्चर किए गए हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में, और वो भी आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर दोस्तों एक्सेस की बात करें, तो यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, तो उसके बाद आप चाहे लाइव क्लासेज हो, चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितने भी डिवाइस पर कितनी भी बार आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको एक प्लस कोर्स खरीदना है, और जैसे ही आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं, तो ये रेफरल कोड डालना ना भूलें। ये डालते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें, तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन 1400 रुपये का है। इसके अंदर अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद 1260 का हो जाएगा, और 3 महीने का 3500 का है। इसके अंदर अगर 10% ये रेफरल कोड डालते हैं, 10% डिस्काउंट होने के बाद कितने, 3150 मात्र का, और 6 महीने का 5600 है। इसमें भी ये 10% डिस्काउंट होने के बाद कितने का हो जाएगा, 5040 का हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों खरीदना है या तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर बार बार खरीदेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा पड़ेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7000 रुपये का है, और दोस्तों इसमें भी अगर ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद मात्र 6300 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा। 300 रुपये और आप कम कर सकते हैं कॉइन रिडीम करा के, और अगर आप बिगिनर हैं, तो 1400 रुपये और ऐड करके, और बिल्कुल 2 साल के लिए आप खरीद सकते हैं सिलेबस 8400 रुपये में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद 7460 का हो जाएगा। अगर आपके पास कॉइन पड़े हैं, तो और रिडीम करा ले, ऊपर वाले पैसे और कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर बिल्कुल 2 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं। 2 साल तक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम को 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है, और अभी तो आपको कम पैसे के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बिल्कुल 7000 के अंदर, तो आप ये खरीद सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे एसीएफ के बारे में, एसीएफ में इंग्लिश का क्या रोल है दोस्तों, तो अभी जानते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आरपीएससी के द्वारा जो एसीएफ की एग्जाम करवाई जाती है, उसके अंदर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% नहीं बनते हैं, तो फिर आगे के आपके पेपर चेक नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इंग्लिश का बहुत भयंकर रोल है पास करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसके अंदर ये देखो, आप 10 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ पर 6 टॉपिक है, आगे वाली स्लाइड में आपको मिल जाएंगे 4 टॉपिक। लेकिन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कितने दे रखे हैं, उनसे कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल और डिटर्मिनर दोनों को मिला के ये मान के चले आप 5 से 7 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे दोस्तों। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाएंगे, या तो आपको एरर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या पूछा जाएगा आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, एरर में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 3 टाइप से इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे ही प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी इन्हीं 3 टाइप से ये पूछे जा सकते हैं। ये भी मान के चलें कि 5 से 7 का वेरिएशन रहेगा,
यानी आप 100 नंबर को अगर डिवाइड करें 10 टॉपिक में, तो हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा मान मत लेना आप, क्योंकि जो टॉपिक बड़े हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों वर्ब के क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसी टॉपिक को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सबको मिलाकर आपको ये मान के चलें आप कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, दोनों से मिला के सिक्वेंस ऑफ टेंस के, यानी कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और टोटल ये मान के चलें कि आपको 10 से 11 क्वेश्चन मिल सकते हैं इस दोनों टॉपिक में से। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस ये टॉपिक तो इतना दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये कर सकते हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा है दोस्तों इसमें, एरर में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही पूछेगा आपसे, यानी आपको कोई सेंटेंस देगा उसमें से गलत चीज को सही करके आपको लिखना है। तो ये आप इस टॉपिक को आप किस में मिक्स कर सकते हैं, इन सब टॉपिक के अंदर मिला के मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, सब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में, अलग से कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के इसको करेक्शन ऑफ सेंटेंस यहाँ दे दिया है, तो इनमें यानी आप नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, सब टॉपिक तैयार करें इस टॉपिक के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रामर कंप्लीट है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा दे रखा है, इसमें दे रखा है फॉर नॉमिनल टू एडजेक्टिवल टू वर्बल और वाइस वर्सा, यानी आपको चेंज देगा अगला कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप नाउन टू एडजेक्टिव बनाएं या वर्ब में चेंज करें, या वर्ब से वापस से एडजेक्टिव या नाउन के अंदर चेंज करें, ठीक है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और वॉइस की बात करें तो पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी दोनों, यानी एक्टिव दे देगा पेसिव पूछ लेगा, पेसिव दे देगा एक्टिव पूछ लेगा, इनके ये मान के चलें दोस्तों दोनों टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस नरेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अगर पूछे जाएंगे तो ये मान के चलें कि 5 क्वेश्चन अकेले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, अपना आइडिया लगा रहे हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है कि फिक्स, कोई रूल नहीं है कि इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और इसी में दोस्तों एडजेक्टिव का पार्ट ही है ये, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो एडजेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं दोस्तों, एरर में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें कि इनमें यानी डिग्री डिग्री के अकेले के अगर 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर दोस्तों। तो इसके बाद जो टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वोकेबलरी के वोकेब पार्ट में दोस्तों ये 4 टॉपिक दिखा रखे हैं, अगर 4 की जगह आप देखें तो एक टॉपिक ये मान के चलें, एक टॉपिक ये, तो इनसे 2 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम पूछ लेगा, या 2 सिनोनिम 3 एंटोनिम पूछ लेगा, और वन वन वर्ड से दोस्तों आप मान के चलें 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल पूछे जाएंगे 3 से 5 के बीच में। और कंफ्यूजिंग वर्ड के मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा, और मिस यूज का हो सकता है, या फिर मिस स्पेल्ट का 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन इधर इस पार्ट से भी आ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब और इडियम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब के या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके क्वेश्चन मान के चले आप 3 से 5, इनमें से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन पेसेज में अगर 200 वर्ड का या 250 वर्ड का अगर आपको पेसेज दिया जा रहा है दोस्तों, तो या तो 2 पेसेज देके और 5 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर अकेले से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस चीज का भी आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का, यानी तीनों पार्ट दे रखे हैं, ग्रामर दे रखी है, वोकेब दे रखी है, और कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, ठीक है ना। तो सारी ग्रामर यानी टोटल इंग्लिश आपकी कवर होनी चाहिए, आप टॉपिक के अंदर डिवाइड करेंगे तो सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद आपके सारे पार्ट यहां से कर सकते हैं आप। और ट्रांसलेशन में आपको हिंदी टू इंग्लिश ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें, इंग्लिश टू हिंदी नहीं पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश ही पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन मान के चलें आप 3 से 5, इसमें भी पूछे जा सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है दोस्तों, वेरिएशन रहेगा बिल्कुल, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट यही रहेगी।
और एलिमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इसमें ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल लेटर्स, नोटिस, मेमोरेंडम्स, ईमेल्स, टेंडर्स, यानी इसके अंदर आपको लेटर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे पेपर कर लें दोस्तों, इसके अंदर उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसमें तो गारंटी है। जो 10वां टॉपिक है इसमें गारंटी है, ये आप आरपीएससी में आज तक जितने पेपर आए हैं उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें, और मैं 2-4 दिन बाद में मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें आप देख लेना। और दोस्तों ये वोकैब वाला पार्ट है, आप ऐप पर मेरी अगर क्लास देखते हैं या फिर देखनी है आपको तो देख लेना। सारे टॉपिक जितने करवा रखे हैं मैंने आरपीएससी में, जितने रिपीट जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए वो सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बस एक तो टॉपिक ये बचा हुआ है मिस स्पेल्ट, तो स्पेलिंग चेक वाला दोस्तों 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। बाकी सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो आप मेरी क्लास भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी आप अनअकेडमी में जाके आरपीएससी कैटेगरी में स्पेशल क्लासेज के अंदर मेरा नाम से सर्च कर लेना, महेश काजला, ठीक है ना, इस नाम से सर्च कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आपको सारी क्लास मिलेगी। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे मेरे नाम से सर्च कर लेना, वहां पर पूरी क्लास करा रखी है, यानी कंप्लीट एरर कर ली है और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं जितने आरपीएससी में आज तक पूछे हुए हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट अभी चल रहे हैं तो वो देख लेना, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक तो ये क्लास बाकी है आपकी, और यानी 1 या 2 क्लास के अंदर ये कंप्लीट करा दूंगा, और उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, बिल्कुल आप विश्वास करके पढ़ें। और दोस्तों मिस स्पेल्ट वाली 1 क्लास या 2 या 3 क्लास के अंदर ये भी करवा दूंगा कंप्लीट, तो आपके बचे हुए टॉपिक जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। आप तो बस लगातार बने रहें, एक तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे ध्यान रखें आप, कि उसके अंदर जितने वीडियो करा दिए उसमें से आप देख सकते हैं। और दोस्तों टाइम बहुत कम है, तो जितने आरपीएससी में आज तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका कलेक्शन करके आप और बिल्कुल लगातार उनकी स्टडी करें। एक बार अगर आप निकाल भी लेंगे एग्जाम के टाइम पर तो बिल्कुल आपको याद रहेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि 33 नंबर आपको लाने के लिए मेहनत करनी है, तो 33 नंबर बहुत इजीली आ जाएंगे आपके। यानी आप एक तो वोकैब वाला पार्ट कर लें, और एक पैसिव वॉइस नरेशन वाला कर लें दोस्तों, ठीक है, और एक एरर या फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, बिल्कुल इंग्लिश की वजह से आप नहीं रहेंगे, 33% तो इजीली आ जाएंगे। यानी 50% तो ये मान के चले कि आप थोड़ा बहुत भी अगर देख लेते हैं तो बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि पैसेज में आप नंबर ला सकते हैं, बिना पढ़े भी ला सकते हैं, ठीक है, और ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम इनके अंदर ला सकते हैं, ठीक है, और ये ऑफिशियल ग्लोसरी यानी जो ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल लेटर है, नोटिस है, इनमें दोस्तों एक बार रीडिंग लगानी है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और पेपर का टाइप दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे मिलेंगे, आराम से सोच विचार करके आप कर सकते हैं, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग जितनी आरपीएससी में रहती है 1/3 वो रहेगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस, अब सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने भी ये फोकस करके स्पेशली एसीएफ की तैयारी के लिए, मैंने अभी जो नियरेस्ट एग्जाम एसीएफ है तो मैंने आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप बिल्कुल सारी क्लास भी मेरी देख सकते हैं, और मेरे से जितनी हेल्प होगी उतनी भी हेल्प बिल्कुल करूँगा आपके एग्जाम से पहले पहले, ये मान के चलें आप, आपको रिवीजन का सफिशियंट टाइम मिल जाएगा, और एक जितने वीडियो बचे हुए हैं वो और डाल दूंगा मैं, तो आप बिल्कुल स्पीड से देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरी तो लास्ट और फर्स्ट यही सलाह है, अब आपके पास टाइम इतना बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल आप ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। आरपीएससी में जो भी जितनी एग्जाम होती है उनके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे दोस्तों वो फर्स्ट ग्रेड का हो, आपको 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एलडीसी की एग्जाम के आप पेपर देखना दोस्तों, उसके अंदर भी ये लेटर वाले पोर्शन आते हैं या ट्रांसलेशन वाला पार्ट आता है, तो वो बिल्कुल आपको बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी। यहाँ पर 100 क्वेश्चन दे रहा है अगला, तो ये मान के चलें कि 60% नंबर आराम से आप कवर कर सकते हैं, तो क्लियर है दोस्तों। और किसी को भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो मेरे रेफरल कोड काजला यूज करके आप खरीद सकते हैं,
और मेरे से जो भी हेल्प होगी वो बिल्कुल आपके लिए तैयार है, बिल्कुल आपको यानी 50% नंबर तो मैं आराम से दिला दूंगा आपको, बिल्कुल बिना यानी नॉर्मल मेहनत तो, अगर आप थोड़ी बहुत भी कर लेते हैं तो भी आप क्या जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। और ये बैच का अनाउंसमेंट है, 28 तारीख को ही RS का बैच स्टार्ट हुआ है, तो एग्जाम देके अभी आप खरीद सकते हैं स्लेब सब्सक्रिप्शन। और दोस्तों 2 साल के लिए खरीदेंगे तो फिर RS की तैयारी के लिए भी आपके काम में आएगा। तो ये फैकल्टी पैनल है, ये सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे से संपर्क रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम का नाम लिख दें, यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, अगर आप मेरे को लाइक करते हैं और तो यहाँ पर मेरा नाम लिख सकते हैं। दोस्तों बस आप तो इतना ध्यान रखें, जितने क्वेश्चन मैंने आप लगातार बने रहते हैं तो आपको पता भी होगा, जितना करवा दिया उस मैटर से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा ACF में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। और मेरा रेफरल कोड है KAJLA काजला, तो ये अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर आप यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुबह 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, फिक्स टाइम है, और 4:30 बजे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर क्लास रहती है, ठीक है? तो दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, लगातार बने रहें आप। RPSC के अंदर ये जरूर देखें, अपनी स्पेशल क्लास रहती है, सुबह 9:55 पे स्पेशल क्लास रहती है, तो दोनों क्लास जरूर देखें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और ऑल द बेस्ट, एडवांस में आपको दे रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक। तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे और बहुत ही अच्छे अधिकारी बनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।